हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है और सवाल कि पेज की सेटिंग कैसे करें। देखिए, पैराग्राफ की सेटिंग, वर्ड्स की सेटिंग, कैरेक्टर्स की सेटिंग, पेज की सेटिंग हम कैसे करें। अब ये देखिए, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कुल मिलाकर के दो पेज में आ रहा है। क्या हम इसे एक पेज में या इसकी सेटिंग कर सकते हैं कुछ ऐसा कि पेजेस कम हो जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्शन के बाद आपको चलना है लेआउट में। और यहां पर जैसे ही आप लेआउट में आएंगे तो आपको यहां पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। क्या सेटिंग करनी है, यहां पर देख सकते हैं कि ऊपर इतना स्पेस है, ठीक है। ये स्पेसेस हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये देखते हैं। यहां पर मार्जिन पे चलना है हमें। ये जो मार्जिन आपको दिखाई पड़ रही है, यहां पर चलिए और यहां से कस्टम मार्जिन पे आ जाते हैं। देखते हैं इनके बीच में मार्जिन कितना कितना दिया गया है। तो मार्जिन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। यहां पर देख सकते हैं टॉप में काफी मार्जिन है, 2.54 सेंटीमीटर का मार्जिन टॉप में दिखा रहा है। तो इसको आप रिड्यूस कर दीजिए, इसको 0.5 या इस तरह से कुछ रहने दिया जाए तो ज्यादा बेटर, ठीक है। तो यहां पर इसे मैं 0.5 कर देता हूं। इसी तरह से बॉटम में भी काफी मार्जिन दी गई है, तो बॉटम की मार्जिन को भी मैं कर देता हूं यहां से रिड्यूस। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि बॉटम को भी मैंने कर दिया 0.5, ठीक है। और राइट में भी काफी मार्जिन है तो राइट के मार्जिन को भी 0.5 कर देंगे हम, ठीक है। तो 0.5 कर देते हैं इसको भी और लेफ्ट के मार्जिन को भी 0.5 हम कर देंगे। तो यहां से इसे घटा करके कर देते हैं 0.5, ओके। तो यहां से मैं करता हूं 0.5, ओके। और अब यहां से ओके प्रेस करते हैं तो ये देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर की स्पेसेस थे वो रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप सेटिंग कर सकते हैं। अब लेकिन अभी भी ये दो पेज में आ रहा है, तो क्या इसको टाइटली बाउंड भी किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप सेलेक्ट ही कर लीजिए इसको और ये जो कैरेक्टर्स है, एक और दो लाइंस के बीच का, एक और दो पैराग्राफ्स के बीच का गैप हमें रिड्यूस करना है। तो यहां से आप जाइए और यहां से ये गैप कर लीजिए रिड्यूस कुछ इस तरीके से। तो यहां पे देख सकते हैं अब ये जीरो हो चुका है, यानी दो के बीच में, दो पैराग्राफ, दो चीजों के बीच में गैप काफी रिड्यूस हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहां पर आप साइज वगैरह छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ पे एडवांस की सेटिंग दी गई है। तो यहाँ पे स्केल दिया गया है, तो कैरेक्टर स्केल 100% है, आप उसको घटा भी सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 80 कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब एक ही पेज में आ चुका है, दूसरे पेज की आपको जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से कुछ सेटिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी टाइटली आप इसे बाउंड करना चाहते हो तो यहाँ होम टैब पे चले जाइए और यहाँ आपको मिल जाता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहां पर जाइए आप और यहां पर ये 0.1 होता है बाय डिफॉल्ट, इसको आप रिड्यूस करके 1 कर दीजिए तो ये और भी ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाएगा और चीजें और भी ज्यादा सेट हो जाएंगी इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की सेटिंग कैसे करें। बड़ा से बड़ा टेक्स्ट आप एक पेज में लेके आ सकते हैं, इसमें और भी ज्यादा सेटिंग हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर आप कर्सर को रखिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये चीज ऊपर चली गई, मींस कि थोड़ा और हमारा स्पेस जो है रिड्यूस हो गया। यहां पर देखिए बीच में काफी गैप है तो यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर इसको रिड्यूस कर लीजिए। इसी तरह से नीचे और भी कुछ होगा तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ऐसा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। देखिए ये पहले कैसा दिखता था, पहले कुछ ऐसा ये दिखता था, आप देख सकते हैं ये पहले की स्टाइल है, पहले ऐसा ये दिखता था, ठीक है। जब मैंने इसे रिड्यूस कर दिया स्पेस को तो ये ऐसा दिखने लगा, आप देख सकते हैं ये एक पेज में आ गया है पूरा और एक से भी कम पेज में आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।